बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेश अनुसार फरीदाबाद पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से बरामद मादक पदार्थों को पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा की देखरेख में नष्ट कर दिया गया है। जिसमें आपको बता दें कि फरीदाबाद में गठित ड्रग डिस्पोजल कमेटी के चेयरमैन पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा और डीसीपी सेंट्रल मुकेश मल्होत्रा, डीसीपी बल्लभगढ़ जयवीर राठी, एसीपी हेडक्वार्टर संदीप मौर के साथ तमाम स्टाफ ने मिलकर के गवाह के तौर पर समाज के गणमान्य व्यक्तियों में सजाना गांव के तेजपाल नगर बिल्लू प्रधान तथा तेगांव निवासी खैमबीर नंबरदार की मौजूदगी में गोल्डन ईगल बेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तेगांव रोड गांव जसाना फरीदाबाद में विभिन्न थानों के 271 मुकदमों में बरामद मादक पदार्थों को अपनी देखरेख में फोटोग्राफी करवा करके सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर सीधे आपके सामने है। सर आज जो नशीले पदार्थ हैं वो डिस्ट्रॉय किए हैं, कितनी मात्रा में थे, कितने महीने के थे? देखो ये NDPS का आज ये माल हमने यहाँ डिस्ट्रॉय किया इंसिनेटर पे, उसमें कमेटी बन रखी है कमिश्नर पुलिस की और दो DCP हैं, DCP बल्लभगढ़ और DCP सेंट्रल। तो ये तीन मेंबर कमेटी है जो कि एक सीनियर लेवल की कमेटी है, जो कि जितने भी NDPS के या नारकोटिक्स के मामले पकड़े जाते हैं उनका माल का डिस्पोजल करने के लिए कमेटी बना रखी है। तो इस कमेटी के लिए करीब पिछले 2-3 सालों का माल था जो कि आज हमने इंसिनेटर पर डिस्ट्रॉय किया है। इसमें पहले तो 231 टोटल केसेस थे जिनको आज डिस्ट्रॉय किया। इनमें पहले कोर्ट से डिस्पोजल ऑर्डर लेने होते हैं और कोर्ट के डिस्पोजल ऑर्डर के बाद पूरी इन्वेंट्री बना के और पहले DGP साहब से अप्रूवल लेनी पड़ती है और अप्रूवल आने के बाद फिर कमेटी जो है उसको अपना पूरा एग्जामिन करके और इंसिनेटर पे डिस्पोज ऑफ करती है और पूरा मटेरियल जला दिया जाता है, प्रॉपर इंसिनेटर में डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और इंसिनेटर में इसलिए करते हैं ताकि पोल्यूशन वगैरह भी ना हो इसका, तो इस बात को खास ख्याल रखते हुए। तो आज हमारा काफ़ी थानों से जो गंद भरा रहता है और इसमें, तो उसको आज हमने यहाँ पर डिस्पोज ऑफ किया है। कितनी क्वांटिटी मानी जा रही है इसका, कितने का जो होगा माल होगा ये जो जिससे डिस्ट्रॉय किया गया? माल की क्वांटिटी तो सब अलग अलग है क्योंकि इसमें गांजा भी है और हीरोइन का भी कुछ है और बाकी अफीम भी है। अफीम तो खैर जमा होती है वहाँ पे फैक्ट्रीज में, कंट्रोलर फैक्ट्रीज के पास, लेकिन ये जो है लगभग स्मैक भी है और ज़्यादातर गांजा है। तो मेरे ख्याल आज कम से कम 700-800 किलो का तो ज़रूर माल होगा आज जो डिस्ट्रॉय किया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पुलिस लगातार कोशिश तो कर रही है पर कहीं ना कहीं देख रहे हैं उसके बावजूद भी फरीदाबाद में गांजा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, क्योंकि पिछले दिनों हम देख रहे हैं लगभग 167 किलो जो गांजा है वो क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा और वो भी एक ऐसे व्हीकल में जो जहाँ पर सकोई विमान का जो इंजन जा रहा था। तो इसमें जो है अब हमने नई अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है क्योंकि अब हम सोर्स तक जाना शुरू कर दिया हमने, क्योंकि गांजा ज़्यादातर आ रहा है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। तो अब आजकल हम अपनी टीमों को वहाँ पे भी भेजते हैं सोर्स तक। अभी पीछे आंध्र प्रदेश में भी हमारी टीम गई थी तो वहाँ पे भी जहाँ से हमने तो यहाँ 67 किलो गांजा पकड़ा था, लेकिन वहाँ की पुलिस को हम 2000 किलो गांजा पकड़वा गया है क्योंकि पूरे उसमें गोडाउन में उनके रेड की वहाँ की पुलिस को लेकर उनको 2000 किलो गांजा पकड़ाया। तो फरीदाबाद पुलिस केवल अपने फरीदाबाद में ही काम नहीं कर रही, लेकिन जो अब सोर्स है जहाँ से ये सारी चीज़ें आ रही हैं उन डिस्ट्रिक्ट से भी तालमेल करके और वहाँ पे भी पकड़ाया जा रहा है, तो उससे फरीदाबाद में आने में काफ़ी फर्क पड़ेगा। आपकी तरफ से भी कोई पुलिस को डायरेक्शन दी जा रही है? फरीदाबाद से अतीक मलिक की रिपोर्ट।